जल है तो वे गलेंगे, नहीं तो जल गलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, सब चीज मिलकर के एक नहीं होगी। इसी प्रकार 23 पदार्थ अलग अलग बन गए, रसोई के भंडार में तैयार है, परंतु मिलाने के लिए पानी की जैसी जरूरत, ऐसे ही श्री शंकर भगवान जब अपनी कृपा करते हैं तो कृपा करने पर वे 23 पदार्थ है मिलकर के एक बड़ा भारी लौंदा बन जाते हैं, पूरी खान बन जाते हैं। उस खान में से जैसे कुम्हार छोटे छोटे हिस्सों को लेकर के फिर उनसे आगे के सारा सामान बनाएगा, इसी प्रकार जो कुम्हार जो बन गया है उस बने हुए पदार्थ में से उस सृष्टि के पदार्थ से बहुत छोटे छोटे अनंत ब्रह्मांड बनाए गए। जैसे परात में खूब सारा आटा बांध लिया और आटा बांधने के बाद में फिर छोटी छोटी लोई बना करके उसकी फिर पूरी पूरी बनाई जाएगी, पूरे पूरे लोहे से पूरी नहीं बनाई जाएगी, छोटे छोटे बनाए जाएंगे। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड, उन अनंत ब्रह्मांडों की श्री माया देवी रचना कर देती है। अब भगवान क्या करते हैं, शंकर भगवान ही एक दूसरा रूप धारण करते हैं, उस दूसरे स्वरूप का नाम है प्रद्युम्न स्वरूप, गर्भोदशायी। अब ये गर्भोदशायी भगवान उसके भीतर प्रवेश कर देते हैं, वो छोटी छोटी जो लोई बनाए, छोटे छोटे लौंदा जो बनाए, उनके भीतर प्रद्युम्न भगवान प्रवेश कर देते हैं। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही वहां पर उस ब्रह्मांड के भीतर अंधेरा था, बिल्कुल गुप्त। भगवान ने प्रवेश किया तो उनके शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और तेज से फिर जल उत्पन्न हुआ, अर्थात श्री प्रद्युम्न भगवान उनके शरीर से ही पसीना निकला और उस पसीने से वो ब्रह्मांड आधा आधा भर गया और उस समुद्र में जिसको गर्भोद कहा गया, उस गर्भोद में श्री प्रद्युम्न भगवान आप आनंद पूर्वक शेषय्या के ऊपर शयन करते हैं। उन प्रद्युम्न भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उनकी नाभि में अभी कमल उत्पन्न हुआ नहीं है, उनकी नाभि में ही हिरण्य गर्भ नाम करके एक जो पदार्थ है, मन वो 23 पदार्थ सूक्ष्म रूप में उन श्री प्रद्युम्न भगवान की नाभि में विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम है हिरण्य गर्भ या ब्रह्मा। परंतु अभी ब्रह्मानी, उसकी संज्ञा ब्रह्मानी हुई है, अभी वो हिरण्य गर्भ है, मन एक चमकीला गर्भ है, वो हिरण्य गर्भ ही माने बीज है, वो हिरण्य गर्भ ही जब विकसित होता है, माने श्री शंकर श्री प्रद्युम्न भगवान जब चाहते हैं तो वो जो हिरण्य गर्भ था उस वो हिरण्य गर्भ से ही एक कमल उत्पन्न होता है, जिस कमल में 14 गांठे हैं, वे ही 14 लोग भू भस्वा महाजन तप सत्य, ये 7 ऊपर के लोग और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, ये 7 नीचे के, ऐसे 14 गांठ वाला एक ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है और उस कमल के ऊपर जो कमल कोश है उस कमल कोश में अब 4 मुख वाले ब्रह्मा पैदा होते हैं। वो ब्रह्मा फिर से भगवान के द्वारा की गई जो सृष्टि है उस सृष्टि को ही वे दोबारा प्रकट करते हैं। तो भगवान का एक स्वरूप था कारण समुद्र, उनके सामने कारण भगवान कारण शायसी संकर्षण, पहला स्वरूप था कारण, कारण समुद्र में शयन करने वाले संकर्षण, उन संकर्षण भगवान के सामने माया देवी जब आई, भगवान ने माया देवी को छुआ, छुआ नहीं देखा, दृष्टि से छुआ और दृष्टि के दृष्टिपात मात्र करने पर उस माया देवी से 23 पदार्थ उत्पन्न हो गए। सबसे पहले महातत्व उत्पन्न हुआ, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ,
अहंकार तीन प्रकार का था, जिनमें सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, राजस अहंकार से दस इंद्रियां उत्पन्न हुई, पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां, और तामस अहंकार से पांच तन्मात्राएं और पंच महाभूत ये उत्पन्न हुए। इस प्रकार 23 तत्व उत्पन्न हुए और उन 23 तत्व ये संकृष्ण भगवान से उत्पन्न हो गए। ये सारे पदार्थ संकृष्ण भगवान ने जब दोबारा दृष्टि डाली तो मिल करके वो आटा दाल जो भी थे वो मिल करके सब एक हो गए, उनमें मिलने की सामर्थ्य आ गई। मिलने की सामर्थ्य आकर के पूरी की पूरी खदान तैयार हो गई, मिट्टी की खान तैयार हो गई। उसमें से ही श्री लीला शक्ति ने, भगवान की जो माया शक्ति है, माया शक्ति ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी। छोटे छोटे ठम्मा उसमें से निकाल करके मिट्टी के उनको जैसे रख दिया, एक कुम्हार जैसे चाक के ऊपर रखता है और उससे अनेक अनेक सृष्टि उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। माने जो आटे का एक लूफ बना, उस लूफ में से छोटी छोटी माने आटे का जो पूरा आटा बढ़ गया उसमें से छोटी छोटी जैसे लोई बना दी गई, ऐसे ही छोटी छोटी लोई बना दी गई, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड हो गए। उन ब्रह्मांडों के भीतर संकर्षण भगवान ने दूसरा रूप धारण किया और दूसरा रूप धारण करके माने गर्भोदशायी श्री प्रद्युम्न का स्वरूप धारण करके उनके भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही संकर्षण श्री प्रद्युम्न भगवान के शरीर से प्रकाश निकला और उस ब्रह्मांड के अंदर का जो अहंकार अंधकार था वो अंधकार समाप्त हुआ। अंधकार समाप्त होने पर श्री प्रद्युम्न भगवान के अंग से पसीना निकला और उस पसीने ने उस ब्रह्मांड को आधा आधा भर दिया। वही हुआ गर्भोद, गर्भ समुद्र। उस गर्भ समुद्र में श्री प्रद्युम्न भगवान शयन कर रहे हैं। उन प्रद्युम्न भगवान की नाभि में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य है कि जिसमें 23 ऐसा गर्भ जिसमें 23 पदार्थ पूरी तरह से उनकी सामर्थ्य विराजमान है। जैसे मां के गर्भ में जो बालक है उस बालक में जो जीन्स हैं वो ऐसे हैं जो अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं परंतु वे सारे गुण विद्यमान हैं। गर्भ जो है उस गर्भ में सारे के सारे गुण विद्यमान हैं कि बालक काले रंग का होगा, कि इसके बाल भूरे रंग के होंगे, कि इसके लाल रंग के बाल होंगे, इसकी आंखें दबी हुई होंगी कि आंखें खुली हुई होंगी, नाक भिची हुई होगी कि नाक उठी हुई होगी। जो जैसे गर्भ में जो बालक है उस बालक में अभी उसने गर्भ का रूप धारण नहीं किया है, बालक का रूप धारण नहीं किया है, केवल शुक्र शोण को मिलकर के, शुक्र रज इनको मिलकर के एक पिंड मात्र बना है, पर उसमें गुण सारे के सारे विद्यमान है। पिता के जो तेज और मां इन दोनों को मिलने पर जो फ्यूजन हुआ, जो मिले मिलते समय वो सारे के सारे गुण जो उस बालक के आने हैं वो सारे के सारे गुण उस पिंड में आ गए हैं परंतु अभी प्रकट नहीं है। जब बालक बढ़ेगा कभी तब वो उसके वे सारे गुण प्रकट होंगे कि इसके बाल घुंघराले होंगे, कि लंबे होंगे, कि आंखें दबी हुई होंगी, कि गोल होंगी, कि फैली हुई होंगी, नाक दबी हुई होंगी, कि जबड़ा निकला हुआ होगा, हाथ लंबा होगा कि छोटा होगा, वे सारे गुण पहले से विद्यमान है परंतु वे प्रकट नहीं है। ऐसे ही हिरण्यगर्भ के रूप में सृष्टि के सारे गुण जिसमें विद्यमान है ऐसा गर्भ श्री प्रद्युम्न भगवान की नाभि में विराजमान था। अब नाभि में जो विराजमान था वो ही जब प्रकट हुआ, माने बालक का जैसे जन्म हुआ
ऐसे उस हिरण्य गर्भ का जब विकास हुआ तो विकास होने पर एक ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ उस नाभि से, और उस कमल में चौदह गांठें थी, वे चौदह गांठें ही चौदह लोग थे। उन कमल नाल के ऊपर एक कमल खिला और उस कमल में एक ब्रह्मा और उत्पन्न हुए जिनके चार मुंह थे, हमारे घर ब्रह्मा उनके चार मुंह थे, ऐसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो इस तरह से ब्रह्मा के तीन शरीर हो गए, एक शरीर था कारण शरीर जिसको हम हिरण्यगर्भ कहेंगे, ब्रह्मा का दूसरा शरीर था जो चौदह गांठ वाले नाल के रूप में उत्पन्न हुआ उसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर, हिरण्यगर्भ है कारण शरीर, चौदह भुवन सॉरी चौदह भुवन जो है वो है स्थूल शरीर, और उसके ऊपर जो चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए वो है कारण शरीर, वे हैं सूक्ष्म शरीर। तो हमारे जैसे तीन शरीर, हिरण्यगर्भ कारण शरीर चतुर्दश भुवन ब्रह्मा का स्थूल शरीर और चतुर्मुख ब्रह्मा वे हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर, काम तो सूक्ष्म शरीर से चलता है, सूक्ष्म शरीर भी हो तो स्थूल शरीर कोई काम थोड़ी करेगा। ऐसे ही चतुर्दश भवन के ऊपर जो कमल खिला उस कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जो उत्पन्न हुए वे लाल रंग के, जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए गुलाबी रंग के वे ब्रह्मा है, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, चतुर्दश भवन है ब्रह्मा का स्थूल शरीर, और जो नारायण के गर्भ में विराजमान थे प्रद्युम्न भगवान के वो है ब्रह्मा का कारण शरीर। ये ब्रह्मा के तीन स्वरूप प्रकट हुए और उन ब्रह्मा के द्वारा फिर जगत की सृष्टि की गई। अब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि कर दी, सारे देह बना दिए, उन देहों में जीवों ने प्रवेश किया पर जीव अभी भी काम नहीं कर सकते हैं, जितने पदार्थ हैं वे भी बन गए पर जो पदार्थ कहीं टिक टिक नहीं सकते हैं, वे अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तब श्री प्रद्युम्न भगवान ने एक तीसरा स्वरूप धारण किया, इसको समझ लेना चाहिए, बहुत कठिन मामला है परंतु एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर मैंने एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये श्री नित्यानंद तत्व को समझने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, और जहां नित्यानंद तत्व का वर्णन करेंगे वहां पर भी ये ही सिद्धांत मूल रूप में काम करेंगे। नित्यानंद तत्व को, नित्यानंद तत्व बहुत कठिन तत्व है, और श्री नित्यानंद तत्व उनका तत्व को समझने के लिए ये पुरुष अवतार इन तीनों को समझना बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि हो गई, माने शरीर तो बन गए परंतु शरीर क्या करेगा, शरीर में चेतन नहीं है तो कुछ भी नहीं, शरीर तो जड़ है, उपाधि तो बन गई चार तरह के। ब्रह्मा ने उन 23 जो तत्व थे उन 23 तत्वों को लेकर के उन 23 तत्वों को पुनः प्रकट करके श्वेतज अंडज उद्भिज और जरायुज चारों तत्वों को चारों प्रकार के शरीरों की रचना कर दी, परंतु उन शरीरों में कहीं चेतन पदार्थ ने प्रवेश किया, माने जीवों ने प्रवेश किया। जीव भी एक तत्व है ठाकुर का, जीव एक शक्ति है तटस्था शक्ति, उस तटस्था शक्ति ने प्रवेश किया, परंतु प्रवेश करने पर भी वो जो शरीर हैं वे जागृत नहीं हो सके। जागृत होंगे कब, जब श्री प्रद्युम्न भगवान फिर से एक स्वरूप धारण करेंगे। तो प्रद्युम्न भगवान ही तीसरा स्वरूप धारण करते हैं, उसका नाम है अनिरुद्ध स्वरूप। तो संकर्षण के द्वारा प्रकृति के 23 इंग्रीडियंट्स उत्पन्न हुए, 23 तत्व उत्पन्न हुए, प्रद्युम्न भगवान ने जब प्रवेश किया तो प्रद्युम्न भगवान के द्वारा ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा ने जो सृष्टि की उस सृष्टि में उन प्रद्युम्न भगवान ने तीसरा स्वरूप धारण किया
और तीसरा स्वरूप अनुरुद्ध स्वरूप धारण करके वे उसके भीतर प्रवेश हुए। जब प्रवेश हुए सो ही प्रत्येक जीव जग गया, क्योंकि शक्ति जो भी आएगी वो श्री प्रद्युम्न अनुरुद्ध भगवान से आएगी। एम्पावर्ड जो होगा वो शरीर एम्पावर्ड होगा, उसमें जो शक्ति आएगी पावर जो आएगी वो पावर श्री अंतर्यामी जो परमात्मा है उस परमात्मा के कारण ही उसमें शक्ति आएगी और तब वो जीव वृद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार तीन स्वरूपों के द्वारा, तीन पुरुष अवतारों के द्वारा श्री भगवान सारी सृष्टि को प्रकट भी करते हैं और उस सृष्टि को कहीं क्रियाशील भी करते हैं। भगवान से एम्पावर्ड होकर के ही सारी शक्ति सृष्टि वह मैनिफेस्ट भी होती है और मैनिफेस्ट होने पर एक्टिवेट भी होती है। मैनिफेस्टेशन और एक्टिवेशन दोनों ही होंगे, उनके द्वारा ही प्रकट हुई और उनके द्वारा ही क्रियाशील हुई, क्रियाशील होकर के वो विराजमान होगी। तो जो पदार्थ सारी वस्तुओं को प्रकट कर रहा है और उनको क्रियाशील कर रहा है उस पदार्थ का नाम हुआ परमात्मा। परमात्मा कहने पर तीन वस्तुओं को ग्रहण करना पड़ेगा, संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरुद्ध। तो यद द्वैतम ब्रह्मोपनिषद ही सोच्य तन्वा, जिसको ब्रह्मोपनिषद अद्वैत पदार्थ कहते हैं वो हुआ ब्रह्म, और वो ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण अपने आप को उसी प्रकार प्रकट कर रहे हैं जैसे कम दृष्टि वाले कम तेज वाले आंखों के सामने सूर्य केवल तेज के रूप में ही दिखता है, सूर्य का आकार कोई नहीं दिखता है, केवल आंख इतनी चकवाचौंध हो जाती है केवल तेज को नहीं दिखता है। दूसरा दृष्टांत जैसे श्री नारद जी को दूर से देखने पर युधिष्ठिर ने उनको कोई तारा पास में चला हुआ चला आ रहा है ऐसा देखा, जिनकी दृष्टि और ज्यादा तेज है उनको परमात्मा रूप में योग के द्वारा भगवान दिख जाएंगे। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, कारण समुद्र में शयन करने के कारण उन भगवान को कहा गया प्रकृति अंतर्यामी, जो दूसरा उन्हीं संकर्ष स्वरूप ने दूसरा स्वरूप धारण किया उसका नाम प्रद्युम्न, उन प्रद्युम्न को कहा गया हिरण्यगर्भ अंतर्यामी, और उन्हीं प्रद्युम्न ने एक तीसरा स्वरूप धारण किया अनुरुद्ध, उस अनुरुद्ध को कहा गया जीव अंतर्यामी। इन प्रकृति अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ अंतर्यामी और जीव अंतर्यामी इन तीनों ही स्वरूपों को एक शब्द में कहा जाएगा तो कहा जाएगा परमात्मा नारायण। यहां पर वही कह रहे हैं नारायण किसको कहेंगे, नारायण शब्द के तीन अर्थ, जो जीव समूह के अंतर्यामी होकर के विराजमान है, सारे पुरुष अवतारों के अवतारी होकर के विराजमान है, और जो जगत और वैकुंठ इन सब के साक्षी होकर के विराजमान है, इसलिए उनका नाम नारायण हुआ। नारायण समूह हो नारा माने जीवों का समूह, उनके भीतर उनके जो आश्रय होकर के विराजमान है उनका नाम हुआ नार। इसी तरह से पुरुष अवतार माने जड़ और चेतन, जो नर नहीं है जड़ और चेतन उनके भी जो आश्रय होकर के विराजमान, क्योंकि श्री नारायण से उत्पन्न होने वाले जल में जो शयन करें उनका नाम नारायण हुआ। तो जो जड़ चेतन दोनों के आश्रय होकर के विराजमान उनका नाम नारायण हुआ। नारायण का तीसरा अर्थ हुआ कि जो जड़ और चेतन दोनों के साक्षी होकर के निवास कर रहे हैं उनका नाम नारायण। तो नरों के समूह के में निवास करने वाले उनका नाम नारायण, श्री संकर्षण के
शरीर से उत्पन्न होने वाले जल में शयन करने वाले होने के कारण उनका नाम नारायण हुआ। और तीसरा नारायण का अर्थ हुआ कि नार माने जगत और वैकुंठ, इन सबों के साक्षी होकर के, नर मात्र इन दोनों के साक्षी होकर के, माने जीव के भी और उनसे उत्पन्न होने वाले जल उनके भी साक्षी होकर के जो विराजमान हैं उनका नाम हुआ नारायण। तो नारायण शब्द के तीन अर्थ हुए। फिर से दोहरा दें, पहला अर्थ हुआ जीव मात्र के आश्रय, दूसरा अर्थ हुआ संकर्षण भगवान के शरीर से उत्पन्न होने वाले जल में शयन करने वाले होने के कारण वे नारायण हुए, और तीसरा अर्थ हुआ कि केवल मनुष्यों के इस कारण नहीं हुए बल्कि संकर्षण से उत्पन्न होने वाले जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ और चिन्मय पदार्थ, इन तीनों के जो साक्षी होकर के विराजमान उनका नाम हुआ नारायण। माने वैकुंठ के भी साक्षी हुए हैं, जगत के जड़ पदार्थों के भी साक्षी हुए हैं और चेतन जीव के भी साक्षी हुए हैं, इन तीन के जो साक्षी होकर के विराजमान उनका नाम हुआ नारायण। तो शिव ब्रह्मा जी ने यही कहा, नारायणस्तम नहीं, क्या आप नारायण नहीं हो? जिनको परमात्मा कहा जाता है, नारायण कहा जाता है, वो भी आपके ही अंग हैं। अब उस परमात्मा को नारायण क्यों कहा जाता है? इसके तीन कारण कि जीवों का वह जीवों के हृदय में निवास करता है, इसलिए उसका नाम नारायण। दूसरा अर्थ किया कि वह नर से उत्पन्न होने वाला जो जल, उस जल से उत्पन्न होने वाला जितना भी पदार्थ है अर्थात जड़ पदार्थ, उसमें शयन करने वाला होने के कारण उसका नाम नारायण हुआ। तो दो चीज तो कवर हो गई, जीव और जल, पर कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो चेतन है। इसलिए तीसरा नारायण का अर्थ हुआ कि भगवान के अपने ही स्वरूपभूत जो वैकुंठ धाम, उसके भी जो आश्रय होकर के विराजमान। एक शब्द में कहेंगे तो जीव चेतन जड़ जगत और चिन्मय वैकुंठ, इन तीनों के जो आश्रय हैं उनका नाम नारायण हुआ। ये सिद्ध हुआ कि वे नारायण हैं। नार का एक अर्थ हुआ जीव समूह, नार का दूसरा अर्थ हुआ पुरुष अवतार श्री संकर्षण के शरीर से उत्पन्न होने वाले जल में शयन करने वाले, और तीसरा अर्थ हुआ कि जो वैकुंठ और जगत, इन तीनों में शयन करने वाले, तीनों में व्याप्त होकर के विराजमान, जीव में भी जड़ जगत में भी और चिन्ह में वैकुंठ में भी, तीनों में जो व्याप्त होकर के विराजमान है उनका नाम नारायण हुआ। इसलिए अते तुम ही हो मूल नारायण, ये निरूपण कहा कि यही एक हेत शून्य द्वितीय कारण, ये एक कारण है जल में शयन करना, दूसरा कारण है जीव ईश्वर पुरुष अवतार, इन सबों में आप ही एकमात्र विद्यमान है इसलिए आप ही नारायण हैं। तीसरा नारायण का अर्थ किया चौतीसवीं पया कि अनंत ब्रह्मांड और वैकुंठ, इन सबों के भी आप आश्रय होकर के विराजमान हैं। इस प्रकार आप जितने भी जीव उन सबों के कारण होकर के विराजमान हैं। इसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए आगे कहा गया कि विराट हिरण्यगर्भस्य कारणं चेत्युपाधयः ईशस्य यस्त्रविरहीनं तुरीयं तत्प्रचक्षते। विराट इसका मतलब है स्थूल शरीर, वो 14 भवन, 14 कांच वाला ब्रह्मांड कमल, उसका नाम है विराट। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का तात्पर्य है कि सूक्ष्म शरीर, निकार शरीर, विराट हिरण्यगर्भ,
हिरण्य गर्भ का तात्पर्य है कि जो हिरण्य गर्भ होकर के ब्रह्मा होकर के विराजमान, और कारण माने जो कारण शरीर होकर के चतुर्मुख होकर के विराजमान वो ब्रह्म। तो विराट माने चौदह भवन वाला शरीर, हिरण्य गर्भ माने जो भगवान की नाभि में था वह स्वरूप, और कारण का तात्पर्य है जो चतुर्मुख होकर के कमल के ऊपर प्रकट हुआ, ये तीनों श्री नारायण की उपाधि है। उपाधि किसको कहेंगे? उपाधि का तात्पर्य है कि निकटता के द्वारा अभिव्यक्ति का माध्यम, उसका नाम है उपाधि। निकट्येन अभिव्यक्ति साधनम उपाधि, निकटता से जो अभिव्यक्ति का साधन हो उसका नाम उपाधि। जैसे एक जीवित व्यक्ति बोल रहा है तो शरीर उसकी उपाधि हुई, क्योंकि जो बोलने वाला है वो शरीर नहीं है, बोलने वाला तो भीतर का चेतन पदार्थ है। तो चेतन पदार्थ को ये शरीर कहीं बाहर से अभिव्यक्त कर रहा है, इसलिए शरीर है उपाधि और आत्मा है उपाधि। तो उपाधि कहेंगे जो मूल पदार्थ है उसकी अभिव्यक्ति का जो साधन है उसको हम उपाधि कहेंगे, इसलिए शरीर का नाम ही उपाधि हुआ। उपाधि कहेंगे अभिव्यक्ति के निकट साधन, अभिव्यक्ति का निकट साधन उसका नाम उपाधि। जैसे शरीर के भीतर आत्मा है, उस आत्मा की स्थिति को प्रकट करने का साधन कौन सा है? ये शरीर। हमारे हाथ पैर जो चल रहे हैं, जवान जो बोल रही है, वो आत्मा की उपस्थिति का एक साधन है। तो विराट माने स्थूल शरीर, चौदह भवन, हिरण्यगर्भ माने कारण शरीर रूप में जो भगवान प्रद्युम्न की नाभि में विराजमान थे, बीज रूप में, तेल रूप में, वो हो गए हिरण्यगर्भ। उनको हम कारण शरीर कहेंगे, और कारण का तात्पर्य है कि आगे जो कार्य कर रहे हैं, मन सूक्ष्म शरीर, शरीर जो काम की करेगा वो तो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा करेगा, इसलिए कारण, कारण माने चतुर्मुख जो ब्रह्मा है वो हो गए कारण शरीर। ये तीन उपाधि है, ईशस्त्रहीना, ये ईश्वर की तीन उपाधि है। अब इन तीनों से भी परे होकर के एक स्वरूप और विराजमान है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे परे होकर के एक स्वरूप और विराजमान है। वो परे स्वरूप कौन सा है? बोले वो पर स्वरूप है तुरी, जिसको हम ब्रह्म कहेंगे। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, चौथा स्वरूप ब्रह्म है, वो ब्रह्म उपाधि से भी रहित होकर के जो विराजमान है उसको हम ब्रह्म कहेंगे, उसको तुरी कहा जाएगा। तो चार हो गए, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर जो सामने दिख रहा है इसका नाम है स्थूल शरीर, मन और इंद्रियां ये हो गई सूक्ष्म शरीर, और मन और इंद्रिय भी जिसमें आश्रित हैं वो अहंकार माया, उसका नाम हो गया कारण शरीर। मैं शरीर हूं ये जो अभिमान है, इस अभिमान का नाम हो गया कारण शरीर। स्थूल शरीर तो गिरेगा एक न एक दिन, मृत्यु सबकी होनी है, स्थूल शरीर गिरेगा। स्थूल शरीर तो ये स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, वो मूल उपास्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विनाशील है। सूक्ष्म शरीर भी एक दिन छोड़ दिया जाएगा, इस जन्म के बाद में या सौ जन्म के बाद में, कभी भी जब भी मोक्ष होगा उस समय सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, मन और इंद्रियों से भी व्यक्ति अलग हो जाएगा। तीसरा जो शरीर है वो तीसरा शरीर है अज्ञान रूपी शरीर, माया रूपी शरीर। अज्ञान माया को पहचानेंगे कैसे? अज्ञान माया को पहचानेंगे अहंकार के रूप में, मैं प्रकृति हूं ये अभिमान, इसका नाम ही है कारण शरीर। मैं माया हूं, मैं प्रकृति हूं, इसका नाम ही है कारण शरीर।
इस कारण शरीर से जब व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो उसका नाम होगा कारण शरीर। पर इन स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से मुक्त होकर के जो विराजमान है उसका नाम हुआ तुरीय ब्रह्म। वे तुरीय ब्रह्म कौन है? बोले कृष्ण चैतन्य देव की जय। तुरीय ब्रह्म कृष्ण चैतन्य देव ही हुए। तो यद द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सोस्य तनुभा, जो अद्वैत पदार्थ है वो ब्रह्म, वो आपकी अंगकांति है, षडेश्वरी यह आत्मांतर्यामी पुरुष सोशांश व्यवहार, जो आत्मा का अंतर्यामी पुरुष है वह आपका केवल वैभव रूप है, माने परमात्मा आपका वैभव है, और षडेश्वरी पूर्ण यह एक भगवान, षडेश्वरी से पूर्ण जो भगवान है वो आप हैं। अब भगवान तो सब है, यहां पर एक समस्या ये हुई कि भगवान तो सब है, नृसिंह भी भगवान है, कूर्म भी भगवान है, मत्स्य भी भगवान है, और अंतर्यामी भी भगवान है, परंतु इन सबका जो शासक होकर के विराजमान वो कौन है? वो मुरली वाला, वो हो गया तुरी ब्रह्म। वो तुरी ब्रह्म आप ही होकर के विराजमान है। चतुर्थ जो पदार्थ है वो चतुर्थ पदार्थ माने ब्रह्म का भी आश्रय आप है, परमात्मा के भी आश्रय आप है, और भगवान जो वैकुंठनाथ हैं उनके भी आश्रय आप मुरली वाले ही हैं। जो मुरली वाले भाई नास्तिक में संकीर्तन करने वाले एक ही बात है, मुरली वाले के संकीर्तन में दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान है, वे आप ही हैं। और इसी बात को कह रहे हैं कि यद्यप तीने माया लया व्यवहार तथा स्पर्श नहीं सभी माया पार। अब संघर्ष भगवान भी माया के द्वारा ही सृष्टि करेंगे। यहां पर एक नया पदार्थ शुरू किया कि सृष्टि जो होगी उसके मूल कारण कौन है? बोले मूल कारण माने गए संघर्ष, कारण तो उनके उपादान कारण कौन है? बोले संघर्ष भगवान साक्षात उपादान कारण नहीं है, माया के कारण ही संघर्ष भगवान उपादान कारण है। जो ईश्वर है वह ईश्वर जगत का न तो साक्षात, बल्कि आगे एक बात आएगी, न तो वो ईश्वर जगत का निमित्त कारण है न साक्षात उपादान कारण है। फिर वह मूल कारण तो वही है, परंतु तो जगत जो है उस जगत के उपादान कारण के रूप में तो तुलनात्मक का माया है, और निमित्त कारण के रूप में जो अज्ञान या कर्म है वे कर्म निमित्त कारण होकर के विराजमान। हम लोगों को जो जन्म मिला है वो अपने कर्म के कारण मिला, और आगे के भी जो यदि